नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभिषेक बच्चन की फिल्म घूमर, जिसे आर बालकी ने डायरेक्ट किया था, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, आप जानते ही। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि फिल्म वाकई बेहद अच्छी थी और सभी ने इसको क्रिटिकली काफी अप्रिशिएट किया था। तो फिल्म की रिलीज डेट को लेकर के सवाल उठ रहे थे। मैंने भी अपने रिव्यू में बताया था कि फिल्म के फटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसको गदर के सामने रिलीज किया गया। गदर की जिस समय सुनामी चल रही थी, उस समय फिल्म को रिलीज कर दिया गया। और जब दोस्तों अब आर बालकी ने भी, फिल्म के डायरेक्टर आर बालकी ने भी इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार कर लिया ईमानदारी से कि जी हाँ, उनसे गलती हुई है, फिल्म को गदर 2 के सामने रिलीज नहीं करना चाहिए था। गदर 2 के सामने रिलीज करने से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्रेश हो गई, ऐसा उन्होंने माना है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि गदर 2 की इतनी बड़ी आंधी आएगी, इतनी बड़ी सुनामी आएगी। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं गदर 2 के सामने, मतलब 11 अगस्त को ही फिल्म को रिलीज कर देता 18 अगस्त की जगह, तो उस समय हो सकता था कि हमें कुछ फायदा मिल जाता गदर 2 का, जिस प्रकार से ओएमजी 2 को मिला। गदर 2 की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जिनको टिकट नहीं मिली वे लोग ओएमजी 2 देखने गए। बाद में वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती गई और सेकंड वीक में फिल्म और भी जबरदस्त चली। तो आर बालकी सर का ये मानना है कि हमने ये नहीं सोचा था कि गदर 2 की इतनी बड़ी सुनामी आएगी। तो मेरे पास और कोई डेट थी नहीं रिलीज करने के लिए, 18 अगस्त या 11 अगस्त में से दो ही डेट थी, तो मैंने सोचा कि एक हफ्ते में गदर 2 का थोड़ा जोश है, थोड़ा वो कम हो जाएगा, तो उस समय फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। और फिर घूमर फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो वर्ड ऑफ माउथ से चलने वाली थी, लेकिन गदर 2 का वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था कि उसमें घूमर का वर्ड ऑफ माउथ कहीं दब करके रह गया। और हमने तमाम कोशिशें की, इसकी स्कूल कॉलेज में स्क्रीनिंग की और कई जगह, मतलब फिल्म जो क्रिकेट से बेस्ट फिल्म, क्रिकेट पर बेस्ट फिल्म, मतलब कई क्रिकेटरों को फिल्म दिखाई, दिव्यांगों को फिल्म दिखाई, लेकिन कुछ काम आया नहीं, क्योंकि गदर 2 की जो सुनामी थी वो इतनी जबरदस्त थी, उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग था कि इसमें हमारी घूमर फिल्म दब के रह गई, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ओएमजी 2 भी थी और फिर ड्रीमगर्ल 2 भी आ गई थी, तो इन सबके बीच में एक अच्छी फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो गई। लेकिन उन्होंने कहा मुझे फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से, मुझे इंजॉयमेंट मिला, मैंने फिल्म बहुत ही ईमानदारी से बनाई, बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट और अभिषेक बच्चन से हमें की एक लाजवाब परफॉर्मेंस यहाँ पे थी। तो दोस्तों, आर बालकी ने एक तरीके से उस बात पर मोड़ लगा दिया जो मैं आपको शुरू से कह रहा था कि फिल्म को गलत समय पर रिलीज किया गया है, 18 अगस्त को रिलीज नहीं करना चाहिए था फिल्म को, या तो आप 11 अगस्त को उतार देते, 11 अगस्त को आप थिएटर्स में लेके आते तो गदर 2 की टिकट जिनको नहीं मिल रही है तो वो डेफिनेटली घूमर देखने जाते। और घूमर को लंबा टाइम चाहिए था वर्ड ऑफ माउथ लेने के लिए, और वो वर्ड ऑफ माउथ सारा गदर 2 के पास जा चुका था, और उस समय गदर 2 के प्रति इतना बड़ा दीवानगी, इतनी बड़ी क्रेज थी कि लोगों ने घूमर को नजरअंदाज किया। तो एक अच्छी खासी फिल्म को गलत रिलीज डेट के कारण बलि का बकरा बना दिया गया, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित करा दिया गया, और ना ये घूमर फिल्म ऐसी थी जो डेफिनेटली हिट की कैटेगरी में आनी चाहिए थी। लाइफ टाइम कलेक्शन 5 करोड़ इसका नेट कलेक्शन आया, केवल 7 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं आया, तो ये हालत फिल्म की नहीं होनी चाहिए थी अगर फिल्म को आप सही समय पर रिलीज करते। और अब तो आर बालकी सर ने खुद ये बात मान ली है, तो आशा करता हूँ भविष्य में ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। लेकिन अब तो हो चुकी है, अभिषेक बच्चन के करियर पर तो एक फ्लॉप फिल्म का टप्पा लग ही चुका है। डिस्पाइट दैट ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब इन द फिल्म, जबरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है, इसके बावजूद उनके ऊपर एक फ्लॉप फिल्म का टप्पा लगा दिया गया गलत समय पर फिल्म को रिलीज करके, और ये गलती, मतलब एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी आर बालकी सर की, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।